तो महेंद्र जी, अभी मैंने आपको लेट पुल डाउन और शीट ड्रॉ दो अलग अलग सेशन दिखाए, अब मैं आपको हमारी जैकपॉट सीरीज का ही लेट पुल डाउन और शीट ड्रॉ का कॉम्बो ड्यूअल सेशन ट्राई कराना चाहता हूँ। यूजली क्या होता है, जब हम ड्यूअल सेशन की बात करते हैं ना, तो किसी न किसी एक मूवमेंट में प्रॉब्लम जरूर आता है, या तो सीटी ड्रॉ में प्रॉब्लम आएगा, रेंज पूरा नहीं जाएगा, पुली में स्मूथनेस नहीं होगी, या लेट पुल डाउन लेते हैं तो ऊपर आपको अटक जाता है, रेंज पूरा नहीं आता है, राइट? तो मैं चाहता हूँ एक बार आप ये वाला इक्विपमेंट ट्राई करो और मुझे आपका जेन्युइन फीडबैक दो कि आपको कैसा फील हो रहा है। इसमें भी आप पूरा स्ट्रेच करो ऊपर तक, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेच करके देखो, और पूरा भी नीचे लेके आओ, बिल्कुल नीचे तक कॉन्ट्रेक्शन करो। अभी भी आप देखेंगे इसके अंदर प्ले के लिए इतना स्पेस और बाकी है। यस, बहुत कम मशीन्स में रहता है। तो आपके जैसा ह्यूज बॉडी बिल्डर 100 kg 110 kg का इक्विपमेंट यूज कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्मूथ भी है मशीन। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये खास बात है हमारी जैगुआर सीरीज के इक्विपमेंट की जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो इतनी जबरदस्त है, बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे हमने काम किया हुआ है कि स्मूथनेस, बायोमैकेनिक्स इतना एक्यूरेट है कि बॉडी बिल्डर को तो फील होता ही है, पर जो आम जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल लोग वर्कआउट करते हैं, उनको भी बहुत आसानी से वो मसल को टारगेट कर लेते हैं। तो एक बार आप सीटी ड्रॉ भी ट्राई करके देखिए आपको इसमें कैसा रेंज मिलता है। स्ट्रेच, यस, परफेक्ट, सुपर। इसमें मुझे मैं देख रहा हूँ आपके तो मसल ऐसे बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन एक्सटेंशन दोनों बहुत जबरदस्त है। आपको कैसा फील हुआ आप बताइए, आपको कोई और इक्विपमेंट को आपने बहुत जगह मैंने देखा है, लेकिन इसका जो आपने इसे बताया कि रेंज और आप ऊपर तक छोड़ सकते हो, यानी तो बॉडी बिल्डर को चाहिए खास लैट्स बड़े तो ऐसी मशीन चाहिए उसके लिए। स्ट्रेच पूरा मिलता है, पूरा मिलता है, इसे कॉन्ट्रैक्शन पूरा मिलता है। यस यस, वॉल तो डिजाइन की बात करें तो ये जो फिनिशिंग है आपका बहुत अट्रैक्टिव लुक है और यूज और हेवी मशीन से ही है। वो वापिस में केबल से केबल बार बार केबल बहुत अच्छा स्मूथ है, बहुत स्मूथ, पुलिस बहुत अच्छे है और स्टैक भी उसका देखो मैंने बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक लाइटली वेट यूज किया था, लेकिन उसका जो बोलते हैं ना कि ज्यादा स्टैक नहीं है उसमें, लेकिन इम्पैक्ट बढ़ रहा है उसमें, exactly. वो मेन है। तो ये नहीं तो कई मशीन में खाली स्टैक ही रहता है और लोग पूरा वेट लगा के मारते हैं, लेकिन आराम से फील नहीं होता है, फील नहीं होता है। जैगुआर सीरीज की ये बहुत खास बात है क्योंकि जैसे आपने बताया कि इक्विपमेंट में मैंने प्लेट अभी बहुत कम लगाया हुआ है और लोड आपको फिर भी पूरा फील हो रहा है, ये फील इसीलिए हो पाता है क्योंकि बायोमैकेनिकली इक्विपमेंट का जो डिजाइन है ना वो बहुत ही परफेक्ट और स्मूथ है। तो जितना प्लेट आप लगा रहे हैं, जितना लोड आप इनलोड कर रहे हैं इक्विपमेंट के अंदर, वो सारा लोड आपकी मसल तक ट्रांसफर हो रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ।